नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रयागराज में बेकाबू हो रहे डेंगू के हालात, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सुस्त है सरकारी हमले की रफ्तार। प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें मरीजों की संख्या 500 का आंकड़ा पार कर गई। कश्मीर में उस जगह फहराया जाएगा 108 फीट लंबा तिरंगा जहां से 70 के दशक में पकड़ा गया था आतंकी। भारत सरकार अब उस जगह पर सबसे लंबा भारतीय तिरंगा फहराने जा रही है जहां 70 के दशक में आतंकी मकबूल भट्ट को पकड़ा गया था। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी फिर एक्शन में, दिल्ली में 25 ठिकानों पर चलाया सर्च ऑपरेशन। छठ महापर्व को लेकर सीएम केजरीवाल का ऐलान, सभी सुविधाओं के साथ दिल्ली में बनेंगे 1100 घाट। आपको बता दें खर्च किए जाएंगे लगभग 25 करोड़ रुपए। अगली खबर दिल्ली से है, 5G के नाम पर धोखाधड़ी, 3 साइबर ठग गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती, कहा गुजरात में आपका राजनीतिक भविष्य तय है। गुजरात में राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। खड़गे की मुहर्रम में नाचेंगे वाले बयान पर बवाल, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा राजस्थान में नहीं रखने देंगे कदम। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि खड़गे इस तरीके के बयान देकर अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। अमृतसर में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने गिराया। आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा सर्च अभियान। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया। ये ड्रोन मेड इन चाइना है। जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनते ही इस पर फायरिंग शुरू कर दी जिससे ये जमीन पर आ गिरा। बीजेपी सांसद की दो पत्नियां, पति देव ने दोनों के साथ मनाया करवा चौथ, सामने आई तस्वीर। लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका, अनंत सिंह के बाद अब विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द। राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाले का आरोप लगा था। सीबीआई जांच की गई, जांच में आरोप सही पाया गया, इसके बाद अब कार्रवाई हुई। सीएम योगी के दौरे के पहले अलीगढ़ पहुंचे सूर्य प्रताप शाही, गंदगी देख लगाई अधिकारियों को फटकार। दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना, कॉलोनी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। पाकिस्तान में हवानियत मुल्तान के अस्पताल में मिले 500 से ज्यादा शव, सभी के अंग गायब। पाकिस्तान के एक अस्पताल से बड़ी खबर सामने आई, यहां 500 लावारिस शव बरामद हुए हैं। पाया गया है कि सभी लाशों की छाती खुली हुई है और उनके मानव अंगों को निकाल दिया गया। बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए कुल 2678 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या भी 26,000 के पार। हिमाचल में चुनावों की तारीखों का ऐलान, मुख्य चुनाव आयोग ने कहा हिमाचल में 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। हिमाचल में एक ही फेज में चुनाव होगा, 25 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 27 तक नामांकनों की स्क्रूटनी होगी, 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग 12 नवम्बर को होगी, 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग खारिज। हिमाचल में सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में लगेगी 1,00,000 जॉब्स पर मोहर, प्रियंका गांधी का वादा। अवैसी बोले जिसे बिकनी पहननी है वो पहने, आप क्यों चाहते हो मेरी बेटी हिजाब उतारे और मैं दाढ़ी कटवा लूं। असदुद्दीन अवैसी पहले भी कई बार हिजाब विवाद मामले को लेकर बयान जारी कर चुके हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर इस बार कई सवाल उठाए हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल लेते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए चंद सेतु, चंद से सरोकार।